सो ट्रेलर से तो ये मूवी काफी सिक लग रही थी। वो वाला सिक नहीं गवार, अब मुझे पता है बोलोगे देव, तुमने कॉमेडी कर दी। हाँ तो ट्रेलर से तो ये सिक एस फक लग रही थी, बट अब इसे देखने के बाद एफ हटा दो, मैं सिक हो गया हूं फिर से। वो वाला सिक नहीं। हाँ तो इस मूवी में क्या क्या खामियां रही जिसकी वजह से मैं सिक हो गया, वो बात करेंगे इस वीडियो में। एंड अभी से कोई कमेंट नहीं करने लग जाना, देव तुझे कोई नॉलेज नहीं है मूवीज की, इसमें मेगन भी है, मेगन फॉक्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको इस मूवी को देखना चाहिए या फिर मेगन फॉक्स को। अब यार क्या बोल दिया मैंने, अब तो टंग स्लिप का बहाना भी नहीं मार सकता। तो ये सब बकवास से दूर मैं बात करता हूँ इस मूवी के प्लॉट पर, जिसमें आपको देखने को मिलेगी वेम्पायर्स और ह्यूमंस की लड़ाई। तो कहानी में होता है एक बनी नाम का लौंडा, कॉलेज वाला, जो कि पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ढूंढ रहा होता कोई नौकरी। तभी उसका भाई उसको एक कैडिलैक की चाबी पकड़ा था, ले भाई कैडिलैक ले, और हांड पूरी एले की गलियों में। मतलब एक तो नौसिख है लड़का, मतलब जो स्कूटी को भी हवाई जहाज बनाता है, उसको 2-3 करोड़ की कैडिलैक पकड़ा दो, फिर उसके बाद बोलो भाई तू ड्राइवर मैन रात भर। तो इसके जरिए मूवी के मेकर्स हमें शो करना चाहते हैं कि लॉस एंजलिस के गरीबों में भी कितनी अमीरी है। तो उस कॉलेज गोइंग बच्चे का रोल प्ले करा है, रुक जा भाई देखने दो, बड़ा अजीब सा नाम था, कायम जॉर्ज लैंडी बॉर्ग, लैंडी बॉर्ग, जी हाँ ये वही है जिन्होंने बम्बल बी की बबली भगाई थी, और इन्होंने स्पाइडरमैन होम कमिंग में भी काम करा है। एंड इसके भाई का रोल प्ले करा है रोल कालिस्टो ने, जो कि आर्मी ऑफ द डेड में चोर आदमी था। अच्छा तभी कैडिलैक मिली उसको। एनीवे कहानी सिंपल चली रही होती है और वो बंदा ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े पैसे कमाने होते हैं। एंड तभी एंट्री होती है हमारी मूवी में टू एक्सट्रीमली हॉट बिचेस की। अफसोस देव, बच नहीं सका। एंड देन उनको देखते ही हमारे लैंडी भैया के पतलून में हो जाता है विस्फोट और बनने को तैयार हो जाता है ड्राइवर। बट वोल्केनिक इरप्शन होने से पहले उनको ये पता चलता है कि भाई ये दोनों तो वैम्पायर हैं। और नाइट क्लब में जाके अधेड़ लोंडो के साथ सकिंग करने की जगह उनका खून सक करती है। ओके, तो मैं बाहर जाता हूँ। ड्राइवर का खून होगा मस्त। पर अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि वैम्पायर जिसका भी चूसते हैं खून, वो बन जाता है भूत, जिसकी वजह से वो लोग भी सोर टाइप ऑफ ज़ॉम्बी या वैम्पायर बन जाते हैं। आई नो अब बोलोगे कि राइमिंग नहीं बन रही, तो अगर किसी को पता हो खून का राइमिंग वर्ड तो अपना कमेंट में डाल देना, मतलब कमेंट डाल देना अपना, ठीक है। तो ये विक्टोरिया सीक्रेट्स वाली हॉट वैम्पायर्स का रोल प्ले करा है डेबी एंड लूसी ने। मुझे पता है तुम्हें कोई मतलब नहीं है इनके बारे में जानने से, तो इसलिए मैंने सिर्फ नाम बता दिया जिससे तुम इंस्टा पे फॉलो कर लो इनको। और वैसे ही भाई इतनी प्यारी वैम्पायर है तो कौन अपना खून डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो अब ये है लड़ाई वैम्पायर्स वर्सेस लॉस एंजलिस के ह्यूमंस के बीच, और बीच में फंसे हैं हमारे लैंडी भैया। काफी सिचुएशन में इनको वैम्पायर्स का साथ देना पड़ता है और काफी में इनको ह्यूमंस का देना पड़ता है, क्योंकि बेटा दोनों तरफ से घुटने के पूरे पूरे चांसेस हैं इनके। बेवकूफी करोगे जैसे भागने की कोशिश तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तो अभी इस थोड़े बहुत ट्विस्ट भरी स्टोरी में आगे होता है क्या, वो तो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। लास्ट में पूरा शहर वैम्पायर और ज़ॉम्बीज बन जाता है। हाँ भाई तभी तो आर्मी ऑफ द डेड बनी। वैसे ये सब ऐसी फालतू की बातें हैं, आर्मी ऑफ द डेड का कोई रिलेशन नहीं है इस मूवी से। आर्मी ऑफ द डेड की पहले की कहानी आपको आर्मी ऑफ द थीव्स में देखने को मिलेगी, जो कि इसी 29 को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं मूवीज के प्रोस एंड कॉन्स की। स्टोरी थोड़ी सी यूनिक है, अगर आप डेली की वैम्पायर मूवीज या वैम्पायर सीरीज देख के बोर हो गए हो तो इसको एक मौका दे सकते हैं, एंड नो डाउट आपको ये ऐसे डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। बट हाँ स्टोरी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पोटेंशियल है स्टोरी में, बट इतना बड़ा नहीं करके दिखाया इन्होंने, मतलब कम ही छोड़ दिया, मतलब कम एफर्ट्स में मूवी बना दी ऐसा लगा मुझे। हाँ स्टोरी पर थोड़ा और ज़्यादा वर्क हो सकता था, बट जितना वर्क है वो सफिशियंट है, ऐसा कुछ है नहीं, एवरेज मूवी है और डिफरेंट स्टोरी है, मेन तो बात यही है। सिनेमेटोग्राफी भाई इसकी काफ़ी काफ़ी तगड़ी है, मतलब लो लाइट शॉट्स ले लो या नियॉन लाइट शॉट्स ले लो या कोई सा भी इंटीमेट शॉट्स ले लो, उसमें जो इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इंटीमेट सीन्स भी इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करे ना यार, हर एक फीलिंग्स इसमें इन्होंने कैमरे में कैप्चर की है। एंड अब इतना सुन के और क्लब्स के बारे में सुन के तो समझ गए होंगे कि
ये मूवी बिल्कुल भी पारिवारिक तो है नहीं। सॉन्ग की बात करें तो एक सॉन्ग है जो कि मूवी के एंड में बजता है, पता नहीं क्या सेंसेस बात की बट एंड में बजता है। एंड हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक तो यार काफी तगड़ा है, मतलब एवरेज है, ना ज्यादा बेटर है ना ज्यादा बेकार है, वो भी एवरेज ही कहूंगा मैं। बात करें CGI एंड VFX की तो कहीं ज्यादा तो फालतू से धमाके से यूज कर रखे हैं इन्होंने, जहाँ कैडिलैक वेडिलैक उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि यार वो कुछ नॉनसेंस ज़्यादा होगी इनकी। और हाँ, मतलब VFX की क्वालिटी तो एवरेज से हल्की सी नीचे मान सकते हैं, जैसे इंडिया वाले कर देते हैं वैसे ही कभी कभी लो बजट वाले बाहर की मूवी वाले कर देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसा लगे जैसे गेम्स के ग्राफिक्स हो। इस मूवी में मुझे विक्टर का रोल और मेगन फॉक्स का रोल, दोनों को और ज़्यादा रोल चाहिए था, मतलब ऐसा लगता है जैसे इनके रोल में काफ़ी ज़्यादा रश कर दिया हो, काफ़ी जल्दी जल्दी इनको भाई कवर करो, इन्हें साइड निपटाओ, हमें तो मेन ट्रायो दिखाना है। मेगन फॉक्स और इन सबका रोल क्या था मैं स्पॉइलर की वजह से बता नहीं सकता, बट यस इन दोनों कैरेक्टर के साथ थोड़ा इनजस्टिस मुझे लगा। हम इतने अमीर और ताकतवर हो गए कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं बात करें इन दोनों क्यूटीज की तो एक्टिंग काफी बढ़िया, भाई आसान थोड़ी होता है क्यूट के साथ मतलब एम्पायर वाली एक्टिंग करना, बिल्कुल भी इजी नहीं है, अनन्या पांडे की स्ट्रगल की तरह। एंड वही बात करें लैंडी भैया की तो लैंडी भैया कहीं कहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं, कहीं कहीं क्या ही बताऊं, जब लैंडी भैया को सिंगल एक फ्रेम में रखा जाता है तो उनके सारे एक्सप्रेशन ऐसे लुल हो जाते हैं, इतने बढ़िया तरीके से डीप एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, पर जब ही वो किसी के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं या कुछ बेड शेयर मतलब स्क्रीन शेयर करते हैं तो तब भाई क्या बढ़िया कमाल का एक्सप्रेशन निकाल के देते हैं भाई, मतलब बढ़िया लोंडा कमाल कर रहा है। तो इसी वजह से कहीं कहीं इन्होंने बढ़िया परफॉर्म कराया है, जहाँ जहाँ इनके साथ बैड सीन मतलब मतलब स्क्रीन शेयर हुई है, और कहीं कहीं इन्होंने बहुत बेकार परफॉर्म कराया है, जहाँ इन्होंने सिर्फ सिंगल शॉट में इन्हें कुछ डायलॉग डिलीवरी ठीक थी बट एक्सप्रेशन ज़्यादा डीप नहीं थे। एंड हाँ, कुछ फाइटिंग सीन्स और कॉम्बैट सीन्स जिन्हें बोलते हैं वो भी हैं इसमें, बट वो मुझे इतने बढ़िया ऐसे नहीं लगे कि कुछ ज़्यादा एक्शन करा जा रहा है, बिल्कुल नहीं ऐसा, बस वहाँ थोड़ी सी इनका डाउनग्रेड लगा मुझे। क्या हुआ? अरे तुम पागल हो गई हो? 200 साल तक जिंदा रहोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। एक रिक्वेस्ट आपको, जिसको वैम्पायर वाली मूवी अच्छी लगती है प्लीज उसे शेयर करो और उसे जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाओ। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा मूवी काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, ना ही इन्होंने कहीं आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा है ना ही कहीं बहुत ही बेकार परफॉर्म करा है, कहीं कहीं कमी है जैसे CGI, फाइटिंग सीन्स और लैंडी भैया के सिंगल शॉट्स। एंड वही मूवी को अच्छा बनाते हैं इसकी डिफरेंट स्टोरी, ये दो क्यूट सी लड़कियां एंड सिनेमेटोग्राफी ऑफ कोर्स और इसका खून। एंड आई थिंक अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और प्लीज नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करना, उसमें हम टेक्निकल गुरुजी में आग लगाएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो ट्रेलर से तो ये काफी सिक एस फक लग रही थी। एक्टिंग थी। ज्यादा एक्टिंग में बह गया। तो ये विक्टोरिया सीक्रेट्स वाली वैम्पायर को रोल प्ले कर रहा है लेबी एंड डूसी ने, डेबी एंड लूसी ने, ठीक है। तो ये विक्टोरिया सीक्रेट्स का रोल प्ले कर रहा है लेबी एंड डूसी ने, डेबी एंड लूसी है। तो अभी है लड़ाई वैम्पायर्स वर्सेस लॉस एंजलिस के ह्यूमंस की,